तो चाइना जिन हथियारों और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत को आए दिन अकड़ दिखाता रहता है। यकीन मानिए दोस्तों, चाइना अब उसी टेक्नोलॉजी और खुद के बनाए हथियारों से ही डरने लगा है। चाइना में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि चाइना को खुद भी अब महसूस होने लगा है कि उसने हथियारों के नाम पर सिर्फ कबाड़ इकट्ठा किया है। अगर निकट भविष्य में यदि चाइना को कोई युद्ध फेस करना पड़ा तो उसके पास हथियार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन युद्ध में काम आने लायक कुछ नहीं होगा। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चीन की सबसे नवीनतम परमाणु पनडुब्बी, जिसे चीन ने बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया था, अब यही परमाणु पनडुब्बी एक ऐसे हादसे का शिकार हो चुकी है जिससे चाइना का पूरा वुहान शहर डरा हुआ है। जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था वह शहर एक ऐसी बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है जो कभी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर अमेरिका के परमाणु हमले में बर्बाद हुए थे। चीन अपने डिफेंस सिस्टम पर भारी खर्च कर रहा है, लेकिन मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, फाइटर जेट बार बार फेल हो रहे हैं और इसी कारण चीन को न केवल ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बल्कि इसकी साख पर भी अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा करने वाले चीन ने पिछले कुछ सालों में कई नए युद्धपोत, पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर शामिल किए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से आधे युद्धपोत गैराज में खड़े हैं? ये साबित करता है कि चीन सिर्फ संख्या बढ़ा रहा है जबकि ये हथियार युद्ध के लायक बिल्कुल नहीं है। चीन की नीति रही है कि वो अपने हथियारों की संख्या दिखाकर दुनिया को अकड़ दिखाता रहे, लेकिन असल में उसके हथियार भरोसे के लायक ही नहीं है। ये ना केवल तकनीकी खामियों से ग्रस्त है बल्कि युद्ध के मैदान में भी ये उतने प्रभावी साबित नहीं होंगे। चीन अपने पड़ोसी देशों को अक्सर युद्ध की धमकियां देता रहता है, लेकिन जब उसकी तकनीक इतनी कमजोर है तो क्या वो वाकई किसी युद्ध में टिक पाएगा? हमें लगता है कि चीन के लिए अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो आखिर चाइना की इस नवीनतम परमाणु पनडुब्बी के साथ हुआ क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत जिस तरह से चाइना को ठिकाने लगा रहा है उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक में अपनी नेवल पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में जुटा हुआ है। उसने अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में उतारे हुए हैं। वह अपने कन्वेंशनल पावर सबमरीन को न्यूक्लियर पावर सबमरीन में बदल रहा है। इसके साथ ही वह पहली बार एक्सटर्नल सबमरीन बना रहा है और यही एक्सटर्नल सबमरीन एक हादसे का शिकार हो गई। जिस डॉकयार्ड में यह सबमरीन बनाई जा रही थी वहीं इसने जल समाधि ले ली। यह हादसा चीन के नेवल प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। यह हादसा चीन के सबमरीन प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही यह मेड इन चाइना वेपन्स पर भी सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पिछले दो महीने से चीन इस हादसे की खबर को दबाए बैठा था। वो पूरी कोशिश में था कि उसकी नई सबमरीन के ऐसे डूब जाने की भनक भी दुनिया को ना लगे, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो उससे जुड़े कई सवाल पैदा होते हैं। हादसा कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ? चीन ने इस हादसे को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट इमेज ने दुनिया को इसकी जानकारी दे दी। चीन की सबमरीन डूबने का पता दुनिया के दिग्गज स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज से चला। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चीन की पनडुब्बी उसी शिपयार्ड में डूब गई जहां उसे बनाया जा रहा था। असल में यह पनडुब्बी जो क्लास की पहली न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी थी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह पनडुब्बी साउथ चाइना सी में डूब गई है तो आप गलत हैं। यह पनडुब्बी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी क्यांग, जिसे यांगसी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें डूबी है। दरअसल यांगतीजी नदी कई बड़े शहरों से गुजरकर साउथ चाइना सी में गिर जाती है, तो इसी नदी के किनारे बसा है वुहान। ये वही शहर है जहां से चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी दी थी, और यही है वुचांग शिपयार्ड जहां पर यह सबमरीन बनाई जा रही थी, और यहीं पर यह पनडुब्बी वाला हादसा हुआ है। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी अल्ट्रा लेवल की सेफ्टी के साथ आती है क्योंकि उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। अगर गलती से भी वो तबाह हो गई या हमेशा हमेशा के लिए पानी के अंदर दफन हो गई तो उसके बाद समझिए कि यह एक जिंदा परमाणु बम है जो कभी भी फट सकता है, और जिस भी इलाके में वो डूबेगी उसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में कभी भी एक ऐसी तबाही आ सकती है जिसे रोका नहीं जा सकता, यानी कि एक परमाणु ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि अगर यह रिएक्टर फटा नहीं,
हमेशा पानी के अंदर ही दफन रहा तो भी मुसीबत है, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होता रहेगा, जो कि आसपास के पानी को और उस इलाके को इतना ज्यादा प्रदूषित कर देगा कि आने वाली कई पीढ़ियों तक भी वहां जो बच्चे पैदा होंगे अपंग होंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डैमेज कर सकती है एक परमाणु पनडुब्बी। इस समय चीन के कोस्ट के पास एक पनडुब्बी डूबी हुई है जिसके मलबे में एक लाइव न्यूक्लियर रिएक्टर पड़ा है, और चीन की सरकार इस समय किसी भी तरीके से उस न्यूक्लियर रिएक्टर को रिकवर करने में लगी हुई है। इसके लिए वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी कुछ ऐसा कर सकता है जो इतनी तबाही ला सकता है जिसे चीन की आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं पाएंगी। इसीलिए वो सुरक्षित तरीके से इसे निकालने में लगी है, और रूस की सरकार भी इस मामले में उनकी चुपचाप मदद कर रही है। हम भारतीयों के लिए जो सबसे मजेदार बात है ना, वो तो ये है कि जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां होती हैं, अमूमन इन्हें बनाया जाता है कि ये कम से कम 30 साल से लेकर 35 साल तक में चले। उसके बाद भी इन्हें थोड़ा बहुत ओवरहॉल कर दिया जाता है, फुल सर्विस एक तरीके से कर दी जाती है, जिसके बाद ये 10 साल और चलती है, यानी कि 40 साल तक चलती है, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि चीन की पनडुब्बी कब बनी होगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं। ये पनडुब्बी हाल ही में कुछ ही साल पहले तैयार हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ढंग से चीन की नौसेना इसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाई। इसने तो अभी पैसिफिक सागर का मुंह तक नहीं देखा था, और ये चीन के हार्बर पर खड़े खड़े डूब गई। इसीलिए अब तमाम सोशल मीडिया साइट पर पूरी दुनिया चीनी सामान का मेड इन चाइना के लेबल का मजाक उड़ा रही है, कि ये लोग पहले दुनिया भर के लोगों को परेशान करते थे घटिया क्वालिटी का सामान बेचकर, लेकिन अब खुद इनकी लंका लग चुकी है मेड इन चाइना के इस लेवल से। चाइना जो इतनी सारी कंपनी बनाकर बैठ गया है 60 के आसपास, ये काम भी करती है या फिर अभी भी जो पुराना मेड इन चाइना वाला जो चाइना के लिए टैग लगा हुआ है कि क्वांटिटी, तो ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्वालिटी नहीं है ये अभी भी है, क्योंकि मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी। जब हाल ही में ये बात बताई गई थी कि भारत की आबादी चाइना से ज्यादा हो चुकी है, चाइना ने ये बहुत ज्यादा खराब ताना मारा था कि देखिए हम फोकस करते हैं ऑन क्वालिटी नन की क्वांटिटी। देखिए अब साफ हो चुका है कि इन्होंने न तो फोकस किया है क्वालिटी पे और न ही फोकस किया क्वांटिटी पे। दोनों जगह इनको नुकसान हो रहा है, और इससे कल को चाइना का डिफेंस हार्डवेयर कोई परचेज भी नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान का पता नहीं, वो तो खैर ले ही लेंगे, बाकी किसी और कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, वो डेफिनेटली काफी बार सोचेंगे कि ये मेड इन चाइना इक्विपमेंट है, ये लंबे समय तक काम भी करेगा या नहीं। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज आएगी इंडिया के लिए। मैं कहूंगा हमारे लिए एक लेसन है कि हमें ऐसा नहीं होने देना है। एक बार को एक दो साल एक्स्ट्रा लगा लो, टाइम लगा लो, इंश्योर करो कि प्रॉपर टेस्ट के बाद ही हमारी न्यूक्लियर सबमरीन ये समुद्र में यूज की जाए। हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि जो चाइना के साथ हुआ है हमारे साथ भी वही हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, अगर हमारी सबमरीन के साथ ऐसा हुआ होता तो सोशल मीडिया पर इंडिया का मजाक बनाया जाता, और चाइना के जो बोट्स हैं सोशल मीडिया पर वो खुद काफी कुछ कह रहे होते। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।